गोरखपुर के कैंट इलाके के पैडलेगंज स्थित राजवंशी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर शनिवार की सुबह बवाल हो गया। तीमारदार डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। आरोप है कि बाहरी लोगों को बुला लिया गया और फिर महिला समेत चार तीमारदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान अस्पताल प्रशासन ने CCTV कैमरा भी बंद करा दिया। महिलाओं के साथ मारपीट करने वाले आरोपी भागते समय उनके गले से सोने की चैन और 17,000 रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। उधर सूचना पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मृतक सचिन के भाई अमित की तहरीर पर नर्सिंग होम मालिक डॉक्टर अजय सिंह, अंशुमान सिंह और अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि झंगहा के मीठा बेल निवासी हनुमान दुबे के छोटे पुत्र सचिन 30 वर्ष शहर के एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। 14 अप्रैल को सचिन बाइक से इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर जा रहे थे और सांड के आने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बड़े भाई अमित के मुताबिक सरकारी अस्पताल में प्राथमिकी इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए राजवंशी नर्सिंग होम ले गए। शुक्रवार को ICU में ही मरीज ने जूस पिया और उसके सेहत में सुधार भी था, जिसके बाद डॉक्टर ने शनिवार को वार्ड में शिफ्ट करने को कहा था। आरोप है कि शनिवार की सुबह 7:30 बजे सचिन की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। बुलाने पर भी सीनियर डॉक्टर नहीं आए और सचिन की मौत हो गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मरीज के परिजन संध्या पांडे, मृतक सचिन के भाई अमित कुमार दुबे, अस्पताल प्रतिनिधि राजीव प्रताप राव और SPCT विनय कुमार सिंह ने कहा। आप कैमरा जाके चेक करिए, हमने कुछ नहीं किया, कैमरा डिलीट कर दिए। हम एक बोतल पानी लेने गए हैं, नहीं ले जाने दिए हैं। और ICU में गुंडा कैसे कोई भी हो जो अंदर है अंदर आने दीजिए, उसको बाहर नहीं आना। कुछ नहीं।
धमकी दे रही हैं कि मीडिया वाले और जो वो करेंगे तो देख लेंगे हम केस आएंगे तुम्हारे ऊपर, कोने में ले जाके प्रेस वालों को कोने में ले जाके ऐसे इशारा इशारा में तुझे पॉकेट में डाल रही है, हमें देख के बंद करा। गलत है, अरे बाबू जी आप हमारे सामने हैं, कैसे नहीं हुआ आपको। संध्या पांडे, हमने डॉक्टर मरीज को चाय पिलाने के लिए लेकर आए चाय, इन्होंने कहा जाने नहीं दिया, खरे आपने अभी बाहर रुकी, हमने 12 बजे रात को मिल के गया था इनसे, कहा बाहर अभी बैठी अभी मिलना नहीं है, हमने बैठ गया आधा घंटा बाद फिर बुलाया, इन्होंने आया कि कह रहा है कि मरीज का हालत सीरियस हो गया और हार्ट अटैक हुआ है, तो हमने घबरा गया हमका डॉक्टर कहाँ है, तो कह रहे अभी डॉक्टर आ रहे हैं, अभी डॉक्टर है नहीं, जूनियर डॉक्टर है, असिस्टेंट है नीचे अंदर, हम कह डॉक्टर को बुलाइए, फिर भी हमने इंतजार किया, ठीक है डॉक्टर आ रहे हैं, एक घंटे बाद इन्होंने आया कह रहा है कि मरीज को आप ले जाइए, हमने कहा आप डॉक्टर को बुला दीजिए, डॉक्टर आ जाएंगे हम उनसे बात कर लेंगे, हम लोग सिर्फ 4-5 लोग यहाँ पे थे तब हम ले जाएंगे, पहले आप सीनियर डॉक्टर को बुलाइए, सीनियर डॉक्टर पहले देखे क्या हालत है, फिर हमने अब ICU में है तब तक के 30-35 गुंडे हैं और हम लोगों के बहुत मार मारे और चैन खींच ले गए चप्पल से, जिनका भाई मर गया उसके उसको सर पे ये लोग चप्पल जूता से मारे, मेरे दोनों भाइयों को ये पटक के इन्होंने यहाँ पे कैमरा बंद करके मारा है। अब ये डॉक्टर बुलाए होंगे चाहे इसका ओनर बुलाए होंगे हमको नहीं पता। अमित कुमार दुबे, मैं मृतक का बड़ा भाई हूँ, डॉक्टर साहब शुरू से ही थोड़ा बदतमीजी से बात करते थे, लेकिन हम लोग क्या है कि थोड़ा पेशेंट करते कि मेरी भाभी कहीं कि डॉक्टर भगवान होते हैं आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कहते थे जहां मर्जी वहां ले जाओ तुम लोग, तुमको लगता है कि बड़े सहारा हॉस्पिटल में ले के चले जाओगे तो बच जाए, मतलब ज़्यादा अच्छा इलाज हो जाएगा क्या। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आपके ऊपर भरोसा है हमें। उसके बाद से क्या हुआ, लापरवाही इन्होंने बहुत की, डॉक्टर विजिट शाम को केवल 1 मिनट के लिए आते थे, बाकी जो पेशेंट थे 12 से 2 बजे के बीच में ये लोग गायब हो जाते थे, बीच में रहते नहीं थे, कम रहते थे बंदे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सुबह आया हूँ, मैं देखा हूँ तो अच्छे सा पड़ा हुआ था, तो ये बाहर सिक्योरिटी वाला था, ये सिक्योरिटी वाले तो एक अंदर नहीं आते थे तो हाथ जोड़ता था मैं कि थोड़ा सा यहीं बाहर से देख लूँगा, यहाँ पे तीन वो हैं, जबकि ICU का रूल है कि एक ऐसा मतलब होना चाहिए जहाँ से परिजन देख सकें, बट यहाँ पे 3 दरवाजे हैं और सामने एक शैडो बैठाए हैं, ठीक है शैडो बैठाए हैं और वो एकदम मारने मुरने पे अतार हो जाता था, मेरे भाई वही हैं तो मैं उनको समझाता था कि अरे यार थोड़ा सा हम लोगों का वो है मरीज है इज्जत दो, कोई बात नहीं, वो गाली देता था सीधे, कहा कि हम मार देंगे ये कर देंगे कोई अंदर चला गया तो हम उससे रिक्वेस्ट करके कभी कभी देख लेते थे, सुबह आके मैं देखा हूँ रिक्वेस्ट करके तो टेस्ट पड़ा था, तो ये कह रहे हैं ये लोग कि जो है कि वो जो है कि सो रहा है, मैंने कहा मैं टच कर लूँ जरा देखूँ क्या है, तो कह रहे नहीं नहीं टच नहीं करना है। उसके बाद मैं नीचे चला गया हूँ चाय का वेट करने लगा हूँ, बोले कि चाय ले आके पिला दीजिएगा, मैं कहा टच तो कर लेंगे, कहने नहीं चाय ले आइएगा तब, और यहाँ पे बातचीत जब चल रही थी तो उसके बाद से 8:30 बजे के आसपास तकरीबन, देखिए मेरे दिमाग इसमें अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन 8:30 बजे के आसपास ये बुलाए हैं कि नीचे गार्ड गया है चाय पीते हुए बड़े आराम से और जाके नीचे बात कर रहा है खड़े हो कैसे, मैं कहा ये नीचे क्यों आ गया, थोड़ा पगले टाइप का है, मैंने डॉक्टर शिकायत भी की थी वो पागल टाइप का आप सिक्योरिटी रखे हैं एकदम, तो नीचे गया है वो बोला है कि चाय पी के, अरे सचिन के साथ कौन है, मैं कहा मैं ही हूँ भैया क्या प्रॉब्लम हुई, ऊपर जाइए हम क्या प्रॉब्लम है, लेटरिन वेटरिन कर दिया क्या, मैं साफ करना है, तो मैं दौड़ते हुआ तो डॉक्टर त्रिपाठी यहीं पे तिवारी जो हैं वो बोले कि उनको हार्ट अटैक आया है, ठीक है तो हम बोले कि हार्ट अटैक कब का आया, कह रहे 7:30 बजे का, हम कहे अब तक आप लोग क्या कर रहे हैं, 8:30 हो रहा है, तो इन्होंने अचेत समझ के छोड़ दिया, यहाँ पे कोई था नहीं, तिवारी जी शायद 8:00 बजे के बाद ही ड्यूटी होती है, वो आए हैं चेक किए हैं अगर हार्ट अटैक आया है, लगे हैं लोग झूठ मूठ का कोशिश करने ड्रामा करने, मतलब पूरी लापरवाही, ठीक है। उसके बाद से तुरंत उसके बाद से क्या हुआ है
उसके बाद से ये जो है दिखावा करने लगे हैं, कोशिश करने लगे हैं कि मतलब कि जिंदा हम कर लेंगे, ये है वो है, दौड़ भाग करने लगे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, मुझको सेंस हो गया है कि लग रहा है इन्होंने लापरवाही कर दी और ये एक्सपायर कर गया। फिर उसके बाद से हमारे परिजन, मैं आया हूँ, मैं मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं चुपचाप खड़ा था, शांति से खड़ा था। तो हमारे एक रेलवे के भैया हैं, वो आए हैं, कहें आप लोगों की गैर जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी आप लोग कर रहे हो, भैया बोले हैं। भैया की आवाज़ ऊंची थी। वो डॉक्टर साहब ये जो खड़े हैं ना, ये थे, वो बोले हैं कि कुछ बोले नहीं, शांति से वो खड़े थे। मैं कहा डॉक्टर साहब क्या किया आपने, थोड़ा सा मतलब पहले देख लिए होते आप लोग, लापरवाही इतना बड़ा कर दिए। कल कह रहे थे कि सब सही है, सब बढ़िया है। मुझे कल कहा डॉक्टर ने, वो जो मेन डॉक्टर हैं, कि एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब आप जो है क्या करो कि हम इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। लोगों को डर लगता है भाई, आईसीयू का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को ये डर लगता है। तो बोले कि आप, मैंने कहा नहीं, आप रखिए, एक दो दिन और रखिए, निश्चिंत हो जाइएगा तब कीजिए, नहीं बहुत अच्छा है, ऐसे बोले, यही एक वर्ड है, बहुत अच्छा है। आज क्या हुआ आज? हाँ, उसके बाद से जस्ट मैं खड़ा था, उसके बाद से तकरीबन 15 से 20 लोग, एक बंदा जो है चैन पहने हुए था, गोल चेहरे का बंदा था, ठीक है। यहाँ के जो दो सुपरवाइजर टाइप के लोग हैं, उन्होंने फ़ोन किया है कि आ जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आ जाओ। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको बुला रहे हैं, और धड़ाधड़ वो दरवाज़ा खोल के आया है, सिक्योरिटी वाला भाग गया है, सिक्योरिटी वाला भाग गया उसके बाद से जो बाहर था बंदा, वो आने के बाद मुझको मारना शुरू कर दिए हैं। तो मेरे साले ने मुझे बचाने की कोशिश की, उसको मारे हैं नीचे, बड़े वाले साले को नीचे मारे हैं, भाई को मारे हैं, मेरी चाची ने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की है, जो कि पेशेंट थी यहीं की, बहुत बुरी हालत में, और उनको नीचे लेटा के सीने पे लातों घूसों से मारे हैं। और ये डॉक्टर चुपचाप देख रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं छोड़ दीजिए, ये किनारे होके किसी को मारो ना, ये मुस्कुरा रहे थे। कहाँ है डॉक्टर, इसको मारो, हम मारेंगे। चाचा कहाँ है वो डॉक्टर? एक मिनट पापा, शांत रहिए। ये डॉक्टर जो है वो मुस्कुरा रहे थे उस समय, और मैं कह रहा हूँ अरे आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये लोग मुझे हमें मार रहे हैं। उसके बाद दो तीन औरतों को और मारे हैं, भाभी को मारे हैं, बिना मतलब के कालर पकड़ के मारना, एकदम चेहरे पे मारना, सीने पे मारना, सोने की चैन छीन लेना, इस तरह की एक्टिविटी इन्होंने की है पूरे, और वो पूरे अथॉरिटी के साथ अंदर आए थे सब, और ये भी नहीं कह रहे कि आप कौन हैं। राजीव प्रताप राव, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया है, उसी कारण घर वाले बवाल कर रहे हैं। डॉक्टर कभी लापरवाही नहीं करता है, डॉक्टर अपना काम करता है, हर पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है। परिजनों के साथ मारपीट की गई है जी? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने किसी को नहीं बुलाया था, हम मरीज को देख रहे थे, मरीज की हम बुला के समझा रहे थे, उसी समय सब चीज़ें घटना घटित हुई हैं, सारी रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं। कैंट थाना क्षेत्र के राजवंशी नर्सिंग होम में दुर्घटना में घायल एक युवक की आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया था कि इलाज के दौरान चिकित्सक द्वारा लापरवाही बरती गई है और उनकी मृत्यु के काफ़ी देर बाद उनको सूचना दी गई। इस पे जब परिजनों ने आरोप लगाया डॉक्टर्स और नर्सिंग होम के संचालकों पे, तो परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कुछ भारी तत्वों को बुला के उनकी पिटाई कराई और उनके पर्स और चेन छीन लिए हैं। तो उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसकी जांच की जा रही है और दो आदमियों को हिरासत में लिया गया है।